जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, माय हेल्थ एंड टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नो बेक एगलेस मूस केक शॉट्स। ये एक बहुत ही यमी और बहुत ही जल्दी बनने वाली डिज़र्ट है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में पार्टी हो, इस डिज़र्ट को ज़रूर बनाएं और अपने गेस्ट को खिलाएं और उन्हें खुश करें। तो आइए देखते हैं हम इन्हें किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी सारी हमें रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आ सकें। हमें ये बनाने के लिए चाहिए एगलेस वेनिला एंड चॉकलेट मूस, कुछ ओरियो बिस्किट्स और मेल्टेड बटर। अब हम एक पॉली पैक में ओरियो बिस्किट्स निकाल लेंगे और उसको क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन यूज़ कर सकते हैं क्रश करने के लिए, या फिर मैंने सोटा, जिसे कि पेसल भी कहते हैं, वो यूज़ किया है। और मैंने इसको एक दरदरे से पाउडर की फॉर्म में बना लिया है क्रश करके। मैंने यहाँ पे वेनिला ओरियो बिस्किट्स लिए, आप चाहें तो चॉकलेट ओरियो बिस्किट्स भी ले सकते हैं। अब इस पाउडर में हम डालेंगे थोड़ा मेल्टेड बटर और फिर इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे थोड़ा कंबाइन हो जाए। अब हम अपने सर्विंग ग्लासेस को लेके उसमें ये बिस्किट वाला जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया है उसको फिल करके और थोड़ा सा दबा लेंगे। ये हमारी केक की लेयर तैयार हो गई है। अब हम लेंगे अपने वनीला एंड चॉकलेट मूस, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाने बताए थे, बट अगर आपके रह गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। अब हमने अपने ग्लासेस में केक की लेयर के ऊपर डाली है पहले एक वेनिला मूस की लेयर और फिर उसके बाद चॉकलेट मूस की लेयर। आपको जो भी मूस ज़्यादा पसंद है, आप उसकी लेयर को थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है। अब हम इसे टॉप करेंगे थोड़े और वेनिला मूस के साथ, फिर हम इस पर डालेंगे थोड़े क्रश्ड ओरियोस और उसके बाद थोड़ी मेल्टेड चॉकलेट हम इस पर पोर करेंगे। यम्मी। और फिर हम इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे एक घंटे के लिए और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े चॉकलेट चिप्स या टूटी फ्रूटी के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। स्टे हेल्दी, बाय।